बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन ली है, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हसबे ज़ायका नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 बंच है मेरे पास कोरिएंडर के और 8 से 10 हरी मिर्चें। इसको हम पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो आप इसको सिरके में भी पेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको पानी के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने सिरके के साथ पीस के इसको इसमें मैरिनेट कर दिया है। मैं इसका शॉट लेना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऑलरेडी इसको पेस्ट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूंगी, जिसमें है कुटी हुई मिर्चें, नमक, ब्लैक पेपर, ये सब मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पे कोटिंग के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है जिसमें कुटी हुई मिर्चें और ब्लैक पेपर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें सॉसेज ऐड करूंगी। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड करूंगी और इसी के साथ मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून सिरका यानी कि विनीगर ऐड करूंगी। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियोज़ आप लोगों को बआसानी मिल जाएँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, चिकन ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम आते हैं इसकी कोटिंग के ऊपर। जब तक मैं इसकी कोटिंग करूँगी, मैंने ऑयल को प्री हीट पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे मैंने मैदे का मिक्सचर आपको दिखाया था जिसमें कुटी हुई मिर्चें, ब्लैक पेपर ऐड किया था। दूसरी कोटिंग यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स की, जिसको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है वो कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन का पीस उठाएंगे और सबसे पहले हम मैदे के बैटर में इसको डिप करेंगे और इसको अच्छे से हम हाथों की मदद से प्रेस करके हम इसको कोट करेंगे। अच्छे से हम इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी सी क्रिस्पी हो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कोट कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है चिल्ड वाटर जिसमें मैं डिप करूँगी। बस इस तरीके से मैं इसमें इसको डिप करूँगी और अगेन हम इसको मैदे के बैटर में कोट कर लेंगे और अगेन हम इसको इसी तरीके से प्रेस करेंगे। इससे ये है, डबल कोटिंग करने से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राई होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी से और मुझे अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, ऑयल भी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखा है। हम इसको अच्छे से एक साइड से कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है, मैं आपको दूसरे बैटर की कोटिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगेन मैंने चिकन के पीस को लिया है और मैदे के कोटिंग में अच्छे से मैं इसको कोट कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको चिल्ड वाटर में डिप करेंगे। देन हम इसको कॉर्नफ्लेक्स वाले कोटिंग में कोट कर लेंगे। अच्छे से मैं इसको प्रेस करके इसमें कोट कर रही हूँ। ये देखें, इसके बाद मैं इसको चिल्ड वाटर में डिप करूंगी और अगेन मैं इसको कॉर्नफ्लेक्स के बैटर में कोट कर लूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से और क्रिस्पी फ्राई होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अच्छे से मैं इसको भी प्रेस करूंगी ताकि कोटिंग जो है वो अच्छे से लग जाए। ये प्लेन कॉर्नफ्लेक्स हैं, इसमें मैंने कोई भी मसाले ऐड नहीं करे हैं। प्लेन कॉर्नफ्लेक्स लिया था, उसको अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है और देन हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। अब इसको भी हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसका भी वही रूल है, अगेन हम इसको जो है 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड से कुक कर लेंगे, देन हम इसको टर्न कर लेंगे। और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। आगे भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखें, एक साइड से कुक हो चुका है, मैंने इसको टर्न कर लिया है। अगेन मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लूँगी दूसरे साइड से भी। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको फ्राइज के साथ, केचप के साथ और मायनीज के साथ सर्व किया है। आप लोग भी इसको बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा।
तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं हम अपनी नई रेसिपीज़ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।